दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों अदानी पावर में आज हमने को कंसोलिडेट यहाँ पे देखने को मिला। जब इंट्राडे में देखोगे तो स्टॉक 576 तक देखने को मिला है। ओपन स्टॉक 560 पे होता, मतलब देखा जाए तो 14 रुपए की तेजी तक यहाँ पे इंट्राडे में देखी है। देखो आज अदानी के रिलेटेड दोस्तों दो बड़ी अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिली है। एक तो यहाँ पे इक्वायरीजेशन को लेकर अदानी फिर से एक कंपनी को खरीदने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है दोस्तों एक अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिली है कि अदानी ग्रुप दोस्तों 2030 को लेकर बड़ा प्लान अदानी का सामने है। अगर दोस्तों मैं बताऊं फ्यूचर कैसा है तो फ्यूचर ब्राइट है। जो अदानी पावर है यहाँ से 2000 तक भी ये जाने वाला, जैसा कि इस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक की मतलब परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर एंड यहाँ पे अदानी ग्रुप की अनाउंसमेंट भी बैक टू बैक आ रही है। कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे दर्शाती है कि अदानी ग्रुप दोस्तों रुकेगा नहीं। अदानी फिर से आपको जिस पोजीशन से गिरा था उससे भी ऊपर उठता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अदानी का टोटली दोस्तों अगर बिजनेस देखोगे फ्यूचर ग्रोथ में बिजनेस है यहाँ से। एंड टोटली यहाँ से देखो ग्रीन एनर्जी में अदानी है एंड इंफ्रा के अंदर अदानी देखने को मिल रहा है। टोटली देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों FMCG में अदानी है। कई सारे ऐसे सेगमेंट है जिसमें आपको अदानी ग्रुप देखने को मिल रहा है। अदानी की ग्रोथ यहाँ पे जबरदस्त है। एंड बात कर ले अदानी पावर के स्टॉक के बारे में तो जैसा कि आप देखोगे आज वॉल्यूम यहाँ पे कम हुई है, लोगों ने आज माल बेचा है, इसी के साथ रिटेलर्स ने खरीदा भी है। RSI ओवरबोर्ड था, आपको पहले ही बता दिया था गया था कि भाई RSI ओवरबोर्ड आ चुका है तो थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। उसके अगेन जैसे ही मौका मिलेगा अदानी पावर फिर से आपको तेजी में जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों ने यहाँ पे आज ऊपरी लेवल पे खरीद लिया, जैसा कि 576 का हाई लगा है तो 576 पर भी लोगों ने यहाँ पे बाय करा है। देखो अपना टारगेट यहाँ से 600 का रहने वाला है, जो कि दिसंबर में ही अच्छे आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अदानी पावर जिस रफ्तार से तेजी दिखा रहा है असली तेजी आना बाकी है। यहाँ से कम 150-200% का बाउंस यहाँ पे आ सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट नहीं मिली, जब वो भी यहाँ पे आएगी तो जैसा कि अमेरिका से एक बयान के बाद ये तेजी दिखी, इससे भी अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आज दोस्तों अराउंड 1.5 करोड़ की वॉल्यूम आई है। इसी के साथ बात करें बायर्स की तो 5 लाख के आसपास बाहर है, 16-16.5 लाख यहाँ पे सेलर देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी के साथ ASM के स्टेज फर्म फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। एंड जो यहाँ पे डिलीवरी है वो 30% के देखने को मिल रही है, मतलब आज 42 लाख यहाँ पे जो डिलीवरी हुआ है। इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 550 के आसपास का, कम से कम अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 300 करोड़ के आसपास का आज फिर अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिला है। तो इन्वेस्टमेंट बैक टू बैक यहाँ पे रहा है, कोई जल्दबाजी ना करें एंड डरे ना, सबसे बड़ी चीज थोड़ा पेशेंस रखें एंड रिटर्न यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे ऊंचे लेवल पे खरीदा है उनके लिए बोल रहे हैं कि भाई रिटर्न बनेगा, वैसे रिटर्न तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। इसी के साथ देखो 1200 करोड़ की बड़ी डील यहाँ पे होने जा रही है एंड ये अदानी पोर्ट का एक साई मतलब अदानी पोर्ट एक कंपनी का एक्वायरिजेशन करने जा रहा है। कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पे देखो साफुर जी पालोन जी, यहाँ पे ग्रुप की एक कंपनी है दोस्तों। अग्रिम चरण पर बातचीत चल रही है, 1100-1200 आसपास के करोड़ के इस आसपास से डील देखने को मिलेगी। एंड यहाँ से जो देखो दोस्तों जो पोर्ट है पोर्ट में भी अच्छा यहाँ पे आपको ऑफर देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, एंड इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट के लायक स्टॉक है। एंड यहाँ से देखो ग्रोथ है सबसे बड़ी चीज, में एक ही चीज पे डिपेंड करता हूँ, मार्केट में पैसा डालू एंड उसी स्टॉक में पैसा डालू जिसमें फ्यूचर है एंड आज नहीं तो कल को रिटर्न देगा ही देगा। अगर आप जैसे ग्रीन एनर्जी में डालोगे, EV में डालोगे एंड यहाँ से रेलवे में डालोगे तो इनकी ग्रोथ है यहाँ पे, इनमें डेफिनेटली आज नहीं तो कल रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनमें फोकस कर रही है, तो ये चीज सबसे अच्छी चीज है। एंड यहाँ से अगर डाटा बताएं दोस्तों दूसरी अपडेट की बात करें तो अदानी ग्रीन की दोस्तों एक अदानी ने बड़ी अनाउंसमेंट करी है $75 बिलियन को लेकर कि 2030 तक अदानी ग्रुप दोस्तों जो ग्रीन एनर्जी है उसके अंदर $75 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एंड ये भी यहाँ पे निकल के आया है कि दोस्तों जो ग्रीन एनर्जी है यहाँ पे डेवलपमेंट के अंदर सबसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे जो कंपनी है वो बन चुकी है कौन, अदानी ग्रीन। तो एक बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल गया, सारी चीजें हम अदानी ग्रीन के वीडियो में उसको भी एनालिसिस करेंगे। एंड इसी के साथ बात कर रहे हैं अदानी पावर के बारे में तो अदानी पावर में देखो दोस्तों आज यहाँ पे हल्की सी पॉजिटिविटी में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। डाटा क्या करा है, चार्ट पैटर्न के संकेत क्या है, कितना यहाँ पे बाउंस बाकी है। एंड यहाँ से देखो RSI जो है 85 का देखने को मिल रहा है, RSI इंट्राडे में जा चुका है दोस्तों, ये कम से कम यहाँ ऑलराउंड ये 87 के आसपास RSI आज गया है, वहां से थोड़ा नीचे आया इंट्राडे के अंदर। एंड यहाँ से देखो मैंने पहले कह रखा था कि भाई तेजी आएगी, बड़ी तेजी आएगी, बड़ी तेजी के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट अगेन तेजी यहाँ पे आ चुकी है। प्रॉफिट बुकिंग दिखा है यहाँ से, कल ही दिख रहा था कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आएगा, यहाँ पे लोगों ने खींच के ले गए बाहर, उसके बाद जो सेलर है वो नीचे ले गए जैसे ही रेड कैंडल्स बन गई। तो आज का डाटा क्या, आज की कैंडल्स क्या करिए कि सेलर एंड बायर दोनों बराबर है, कल जैसे ही बायर आएंगे स्टॉक वापस आपको 1-2% अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से दोस्तों 4-5% गिरावट भी हो जाती है तो अच्छी बात है, जो स्टॉक का RSI है ओवरसोल्ड हो जाएगा यहाँ से। ओवरसोल्ड होने के बाद फिर से आप एक बड़ी रैली की यहाँ पे चांस ले सकते हैं बड़ी रैली के हिसाब से। तो अभी के टाइम यही है कि लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, चांस है लॉन्ग टर्म वालों के लिए।